गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स चैप्टर। ठीक है, इसमें हमने कल देखा था ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल कैसा होता है, जैसे उसमें हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास कंटेनर देखा था, और हमने देखा था कि कौन से टाइप्स ऑफ ग्लासेस रहते हैं, जैसे सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, देन बोरोसिलिकेट ग्लास, ये सारे ग्लासेस देखे थे हमने, टाइप्स ऑफ ग्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं प्लास्टिक एंड मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल कैसा रहता है वो, तो उसमें हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ना पड़ेगा। 2 मार्क्स के लिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक एज अ कंटेनर और मेटल एज अ कंटेनर। ओके, तो पहले क्या हम सबसे पहले देखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन। क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट और उसमें क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन प्रेजेंट है। ठीक है, उसे हम कहेंगे हम प्लास्टिक। अब उसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस। ठीक है, तो एडवांटेजेस में सबसे पहले रहेगा, इट इज लाइट इन वेट। ऑब्वियसली आप अगर ग्लास कंटेनर को और अगर आप प्लास्टिक कंटेनर को अगर आप क्या करोगे, सेम अगर देखोगे, आप एक हाथ में ग्लास लोगे, एक हाथ में अगर आप प्लास्टिक लोगे, तो आपको क्या इजी रहेगा, क्या वेट में आपको लाइट लगेगा, प्लास्टिक। ठीक है, तो लाइट इन वेट है और उसका क्या होता है फिर, इजिली ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली अगर ग्लास है तो आपको उसे ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या होगा, कार्टन्स लगेंगे, देन उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग इसमें पैक करना पड़ेगा, जबकि आपको जो भी लाइट वेट कंटेनर जैसे प्लास्टिक है तो उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा जितना आपको ग्लास कंटेनर्स में जा सकता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। देन नेक्स्ट, चीप एंड इकोनॉमिकल। ऑब्वियसली अभी चीप भी है और इकोनॉमिकल भी है, ज्यादा रेट में नहीं है प्लास्टिक। एंड देन गुड प्रोटेक्शन पावर है, अगर हम कंपैरिजन करें ग्लास कंटेनर के साथ, तो ग्लास कंटेनर ड्यू टू हैंडलिंग, जब हम हैंडल करेंगे तो अगर थोड़ा सा भी वो ड्रॉप डाउन हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, फ्रजाइल है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो भी प्लास्टिक कंटेनर्स है, तो अगर हाथ से गिर भी गया तो वो ब्रेक नहीं होगा इजिली। ठीक है, देन नेक्स्ट, अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइज। ऑब्वियसली प्लास्टिक्स को भी हम वेरियस शेप्स एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, दे आर रेजिस्टेंट टू इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल अगर आप उसके साथ अगर उसे स्टोर करोगे तो वो रेजिस्टेंट डेवलप करेगा, उसके साथ वो कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया आपके एडवांटेजेस। देन नेक्स्ट देखेंगे हम डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा, परमिएबल टू वाटर वेपर्स एंड एटमोस्फेरिक गैसेस, कि अगर आप ग्लास कंटेनर में कुछ स्टोर कर रहे हो तो वो परमिएबल नहीं रहेगा एटमोस्फेरिक कंडीशंस को, लेकिन अगर आप जो भी प्रोडक्ट है अगर आप वो प्लास्टिक में स्टोर करके रख रहे हो तो देयर माइट बी चांसेस कि वाटर वेपर्स एंड एटमोस्फेरिक गैसेस इसमें एंटर हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, कैन नॉट विदस्टैंड हीट ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में अगर हम ऑटोक्लेविंग देखें तो 121 डिग्री सेल्सियस पे हम 15 मिनट्स के लिए उसे क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, और हॉट एयर में 170 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, तो क्या प्लास्टिक उतनी हीट विदस्टैंड कर पाएगा, नो, तो प्लास्टिक उससे पहले क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए वो एक उसका ड्रॉबैक हो गया। एंड देन नेक्स्ट, एब्जॉर्ब्स केमिकल्स, वो क्या कर सकता है, समटाइम्स इट एब्जॉर्ब्स द केमिकल्स, जो केमिकल उसमें स्टोर किया गया उस केमिकल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या हो गया था, मैंने पहले कहा लाइट इन वेट तो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, चीप एंड इकोनॉमिकल है, देन वेरियस शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल है, रेजिस्टेंट है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, एंड देन ड्रॉबैक में क्या आएगा, परमिएबल टू वाटर वेपर्स एंड एटमोस्फेरिक गैसेस, एब्जॉर्ब करेगा केमिकल्स को एंड विदस्टैंड नहीं कर पाएगा वो हाई हीट पर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा मेटल्स। मेटल्स में क्या क्या आएगा, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, टीन, लीड एक्सेट्रा, ये जो भी कंटेनर्स रहेंगे ये सब मेटल्स के अंदर आएंगे। तो अब हम मेटल्स का देखेंगे, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। तो मेटल्स में सबसे पहले एडवांटेज आएगा, मेटल्स आर इनपरमिएबल टू लाइट मॉइस्चराइजिंग गैसेस। वो क्या है, परमिएबल है क्या, नो, दीज आर इनपरमिएबल मीन्स वो जो भी गैसेस रहेंगी, जो भी लाइट रहेगा, एयर रहेगा, उसे एंटर कॉन्टेक्ट में नहीं आने देगा, एंटर नहीं होने देगा। देन नेक्स्ट, अनब्रेकेबल है, ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे ग्लास कंटेनर तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन मेटल कंटेनर इजीली ब्रेक होंगे क्या, नो। देन नेक्स्ट, स्टर्डी इन नेचर, स्टर्डी मींस स्ट्रांग एज कंपेयर टू प्लास्टिक, एज कंपेयर टू ग्लास, दे आर स्ट्रांग इन नेचर। देन नेक्स्ट,
लेबल्स आर डायरेक्टली प्रिंटेड ऑन द मेटल्स ऑब्वियसली, जैसे हम ग्लास पे डायरेक्टली आप प्रिंटेड कर सकते हो क्या लेबल्स को? नो, हम प्लास्टिक्स पे भी नहीं कर सकते, लेकिन हम जो भी मेटल्स रहेंगे उस पर हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं किसी भी लेबल को। देन नेक्स्ट, उसका डिसएडवांटेज क्या रह सकता है? डिसएडवांटेज रह सकता है एक्सपेंसिव एंड हाई कॉस्ट। ऑब्वियसली उसके इतने सारे उसके एडवांटेजेस है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? हाई रहेगी, एक्सपेंसिव रहेगा। देन नेक्स्ट, समटाइम्स शेयर्स पार्टिकल्स इन द प्रोडक्ट, समटाइम्स वो प्रोडक्ट के साथ पार्टिकल्स को शेयर कर सकता है। देन नेक्स्ट, मे रिएक्ट विद सर्टेन केमिकल्स के साथ वो रिएक्शन भी फॉर्म कर सकता है। तो ये तो ग्लास कंटेनर में कम आएगा, लेकिन प्लास्टिक में और मेटल में ऐसा हो सकता है कि केमिकल्स के साथ वो क्या कर ले, रिएक्शन फॉर्म कर ले सके। ठीक है, ये हो गया हमारे मेटल्स का एडवांटेज, देख लेते। सबसे पहला है इम्परमिएबल, देन नेक्स्ट अनब्रेकेबल, स्टर्डी इन नेचर एंड डायरेक्टली प्रिंटेड ऑन द मेटल्स लेबल रहेंगे। देन नेक्स्ट हाई कॉस्ट रहेगी, देन शेयर करेगा पार्टिकल्स को एंड देन सर्टेन केमिकल्स के साथ वो रिएक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम शिफ्ट करेंगे क्लोजर्स। अब इसमें आपको और एक टॉपिक पढ़ना है, क्लोजर्स। अब क्लोजर्स मीन्स क्या होता है? क्लोजर्स आर द डिवाइसेस विच दे आर यूज फॉर द क्लोज और ओपन द प्रोडक्ट कंटेनर। मीन जो भी कंटेनर्स हम यूज करेंगे उसे ओपन या फिर क्लोज करने के लिए हम क्लोजर्स को यूज करेंगे। जैसे आप देखते हो कोई वुड क्लोजर्स भी रहते हैं, अगर आप देखते हो एल्यूमिनियम के क्लोजर्स भी रहते हैं, प्लास्टिक के क्लोजर्स भी रहते हैं। तो वो क्लोजर्स क्या करेंगे, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसे डिटेरियर होने से या फिर स्पॉइल होने से, लॉस होने से प्रिवेंट करेंगे। कैसे? अगर आप क्लोजर्स लगाओगे तो इजीली आप जब हैंडल करोगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो स्पॉइल नहीं होगा, या फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर मॉइस्चर जो रहेगा उसके साथ वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। डिवाइसेस विच हेल्प ऑफ द कंटेनर कैन बी ओपन और क्लोज इजीली। ठीक है, देन नेक्स्ट, प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ द कंटेनर इज नेसेसरी बिकॉज, प्रॉपर क्लोजिंग बहुत नेसेसरी है बिकॉज, उसके पॉइंट्स है ये हम पढ़ लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मटेरियल बाय स्पिलिंग और वोलेटिलाइजेशन। मींस वोलेटिलाइजेशन मींस क्या होगा कि सिंपल रूम टेम्परेचर पे भी वो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। मींस वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा एट द रूम टेम्परेचर, उसे हम कहेंगे वोलेटाइल। तो वोलेटिलाइजेशन भी हो सकता है, अगर हम उसे कैप लगा कर रखें तो वो वोलेटाइल होगा क्या? नो। जैसे आपको एक सिंपल उसका एग्जांपल देती हूँ, कैम्फर अगर आप उसे एक कंटेनर में रखोगे, क्लोज्ड कंटेनर में, तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पे उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वोलेटाइलाइज हो जाएगा, या फिर उसका मतलब है कि इवेपोरेट हो जाएगा एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, देन नेक्स्ट अवॉइड्स कंटामिनेशन फ्रॉम डर्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। ऑब्वियसली अगर हम क्लोजर अप्लाई करेंगे तो डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम से हमें प्रिवेंट करेंगे हम हमारे प्रोडक्ट को। एंड देन नेक्स्ट इज प्रिवेंट डिटेरियरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द इवेंट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। उसमें क्या आएगा, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे उससे वो क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट को प्रिवेंट करेगा। सबसे पहला क्या है, मटेरियल को लॉस नहीं होने देगा, वोलेटिलाइजेशन नहीं होने देगा। देन नेक्स्ट क्या करेगा, वो डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करेगा। एंड देन नेक्स्ट एनवायरमेंटल चेंजेस से वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ओके, थैंक यू।